अगर इस फैक्ट के बारे में आपको पता हुआ तो आज इस वीडियो के एंड में आप 500 रुपए तक जीत सकते हो। वो कैसे, चलो मैं बताता हूँ। तो देखो यार, YouTube के ऊपर में आप सभी ने बेंटन के टॉप एलियंस के ट्रांसफॉर्मेशन और बेकार से बेकार ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो जरूर सुना या देखा होगा, पर क्या आपने कभी ये नोटिस किया या किसी ने आपको ये बताया कि बेंटन के उन एलियंस का क्या जिनके ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल्स के बारे में बताया ही नहीं गया। यानी कि भाई हम यूट्यूबर्स क्या ही बताएंगे जब ओरिजिनल सीरीज में उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ना तो दिखाया गया ना ही बताया गया। तो हाँ भाई, आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे एलियंस के बारे में बताने वाला हूँ जिनको बेंटन की यूनिवर्स में किसी भी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल मिला ही नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग यू मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो इसी काउंटडाउन के साथ टॉप 5 पे आता है डिट्टो एलियन। इस एलियन का सबसे पहला अपीयरेंस बेंटन क्लासिक की सीरीज में हुआ था, जहाँ पे डिट्टो एलियन के डीएनए की हेल्प से डॉक्टर बोराहा एजमत ने कुछ ऐसे क्रिएचर्स को क्रिएट कर दिया था जो अपने क्लोन्स भी बना सकते थे। ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ बेंटन के नए नवेली एलियन डिट्टो के कारण। तो आप समझ सकते हो कि बेंटन के यूनिवर्स में डिट्टोस का कितना बड़ा योगदान है। परंतु इतना फेमस एलियन होने के बाद भी बेंटन क्लासिक से लेके बेंटन रीबूट तक इस एलियन को किसी भी प्रकार का डिटेल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिला। जस्ट लाइक मी, मैं कितना भी ज्यादा पोटेंशियल से वीडियो बना दूं यार, तुम सब ना तो लाइक करते हो ना ही कॉमेंट। तो चलो आज की वीडियो का लाइक एम 1000 रख देते हैं और कॉमेंट 75। और अगर आप सबने ये टारगेट पूरा करवा दिया तो नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 लोगों को इस पे शॉर्ट आउट मिलेगा। एंड नाउ नंबर 4 पे है आर्टिगुआना। आर्टिगुआना एलियन का भी फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन क्लासिक की सीरीज में फ्यूचर बेंटन के टाइमलाइन में हुआ था। एंड यार मैं सच बताऊं, इस एपिसोड को देखने के चक्कर में मैं बहुत पिटा हूं। खैर, जो बीत गई वो बात गई। आर्टिगुआना बेंटन 1000 का एक ऐसा कूलेस्ट एलियन था जिससे इंस्पिरेशन लेते हुए बेंटन एलियन फोर्स में बिग चिल और काफी सारे एलियंस को क्रिएट किया गया है। परंतु बेंटन के यूनिवर्स में आर्टिगुआना को भी प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिली, ना ही एलियन का प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल। तो भैया क्या ही फायदा इतना कूल बनाने का जब ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल ही नहीं देनी थी। एंड नाउ नंबर 3 पे आता है स्पीटर। एंड भाई साहब, अगेन इस एलियन का भी पहला अपीयरेंस बेंटन क्लासिक में ही हुआ था। एपिसोड का नाम आप बताओ, शाउट आउट मैं आपको दूंगा। स्पीटर बेंटन 1000 का एक ऐसा एलियन था जिसका आर्ट वर्क आर्टिगुआना से काफी ज्यादा सिमिलर था, बट पॉइंट टू बी नोटेड, इन दोनों की ही पावर्स काफी अलग थी। स्पीटर को हमने बेंटन क्लासिक, बेंटन अल्टीमेट एलियन, बेंटन रिबूट में भी देखा है, परंतु इस एलियन का प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हमें इन तीनों ही सीरीज में नहीं दिखाया गया। इसके बाद नंबर 2 पे आता है शॉक बस। शॉक बस का सबसे पहला अपीयरेंस बेंटन क्लासिक के ही सीरीज में हुआ था, और ये एलियन अपनी हरकतों की वजह से इतना ज्यादा फेमस हुआ जहां पे बेंटन क्लासिक से लेके बेंटन रिबूट तक इस एलियन का अपीयरेंस हर एक सीरीज में प्रॉपरली दिखाया गया है। परंतु इसके इतना ज्यादा फेमस होने के बाद भी इस एलियन का प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत ही कम या नहीं ही देख पाओ। तो यार आपने ये नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द एलियंस हमारे बेंटन क्लासिक के ओरिजिनल सीरीज से ही पिक किए गए हैं। एंड हाँ, जो लोग वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं बता दूं, ये कोई क्लिकबेट नहीं था। आप यहाँ तक आए हो तो 500 रुपीस फॉर श्योर अर्न कर सकते हो। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, और इस वीडियो के कॉमेंट में आप मुझे ये बताओ कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा एलियन हो सकता है। आप सभी कॉमेंट करने वालों में से जिसका भी जवाब सही हुआ उसे मैं 500 का पॉइंट्स अपने एंड से दूंगा, और इसका रिजल्ट 5th डे पे रिलीज कर दिया जाएगा, वो भी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। सो भाई देर किस बात की, आप सभी बेंटन के जबरा फैन हो, जल्दी जल्दी कमेंट करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। डे 5th पे आप सभी को रिजल्ट वहीं पे देखने को मिलेगा। तो चलो मिलता हूँ आप सभी से इंस्टाग्राम पे, तब तक के लिए टेक केयर।